व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। और आज गाइज हम बात करने वाले हैं फैट लॉस के बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में। बड़ी सारी वीडियोज़ आपको मिलेंगी फैट लॉस की यूट्यूब पर आपको मिलेंगी, आपको बहुत सारे लोग सजेस्ट कर देंगे, आपके ट्रेनर्स आपको बताएंगे कि आपको एक्सरसाइज करनी है, डाइटिंग करनी है, अच्छी नींद लेनी है। बट ये सारी चीज़ें गाइज आपको ऑलरेडी मालूम होती हैं कि आपको फैट लॉस कैसे करना है। बट कुछ ऐसी हैबिट्स होती है गाइज जो बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं बट बहुत बड़ा इफेक्ट डालती हैं आपके फैट लॉस गोल पर, जो कि मेरे क्लाइंट्स हैं। सबसे पहले मैं उनको यही सारी चीज़ें बताता हूँ कि आपको ये हैबिट्स अपनी चेंज करनी है अगर आप चाहते हैं कॉन्टिन्यूसली फैट लॉस करना। सो गाइस, क्या क्या वो चीज़ें हैं आज हम सारी इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है अगर आप फैट लॉस का गोल अचीव करना चाहते हैं। सो बिल्कुल भी गाइस इस वीडियो को स्किप नहीं करना है, आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए एंड डेफिनेटली यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट फैट लॉस। कुछ ऐसी आदतें जो आपको चेंज करनी ही चाहिए आज से ही, विद इन डेज आपको गाइस फर्क पता लगेगा कि हाँ भाई मेरी ये चीज़ गलत थी और मैंने इनको ठीक किया है और मेरा फैट लॉस जो है बड़ी आसानी से होने लगा है। सो गाइस, टाइम जाया किए बिना वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। मैं हूं अली गाइस और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल एंड आई एम ए फिटनेस ट्रेनर। गाइस, अब तक 250 से ज्यादा क्लाइंट्स को मैं ट्रांसफॉर्म कर चुका हूं और वही एक्सपीरियंस मैं आपके साथ इन वीडियोज के थ्रू गाइस इस चैनल के ऊपर शेयर करता हूं। और सारी की सारी इन्फॉर्मेशन गाइस जो मैं शेयर करता हूं इस चैनल के ऊपर वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होती है, चाहे आपका फिटनेस में कोई भी गोल हो, फैट लॉस हो, मसल गेन हो। सो गाइस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल और बेल आइकन को प्रेस करके उसको ऑल पे क्लिक कर लीजिए ताकि मेरी सारी लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट्स आपको मिलते रहें। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, सबसे पहली जो चीज है ना हमारी फैट लॉस में, हमें अपना किचन सेट करना है। किचन सेट करना इन द सेंस कि आपको जो आपके अनहेल्थी फूड्स हैं जो कि फैट लॉस में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, जो आपकी शुगरी ड्रिंक्स हैं, जो आपके कुकीज हैं, आपको लगता है कि ये सारी चीज़ें खाने से मेरा वेट कम होने के बजाय उल्टा बढ़ जाता है। और मुझे नहीं लगता कि ये सारी चीज़ें मुझे आपको बतानी चाहिए कि कौन कौन सी चीज़ें आपकी फैट लॉस में प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। जो ज़्यादा शुगरी चीज़ें हैं, मिठाइयाँ हैं, बिस्किट्स हैं, पैक्ड ड्रिंक्स हैं आपकी, तो उन सारी चीज़ों को गाइस आपने अपने किचन से दूर रखना है, आपकी आँखों के सामने से, अपनी साइड से दूर रखना है। क्योंकि गाइस अगर वो आपके किचन में रहेंगी, आपके साइड के सामने रहेंगी, आपकी साइड में, तो डेफिनेटली आप कहीं ना कहीं कंट्रोल नहीं कर पाएंगे अपने आप को वो चीजें खाने में। तो सबसे पहला पॉइंट है, आपने अपने किचन को सेट करना है, आप हेल्थी वेजिटेबल्स रखिए, फ्रूट्स रखिए, और जब आपको लगता है कि आई एम फीलिंग हंगर तो आप उन सभी चीज़ें लेने की बजाय, वो आपके पास नहीं होंगी, आपकी किचन में नहीं होंगी, तो डेफिनेटली यू विल गो फॉर हेल्थी फूड्स। तो सबसे पहले तो आपने क्या करना है गाइस, अपने फ्रिज के अंदर, किचन के अंदर जो भी अनहेल्थी फूड्स हैं उनको रिप्लेस करना है हेल्थी फूड्स के साथ। अगर आपका किचन सेट होगा डेफिनेटली आप चीट नहीं कर पाएंगे और आपका जो फैट लॉस का गोल है उसमें आपका कोई भी फूड रिस्ट्रिक्शन पैदा नहीं करेगा। और साथ ही आपको गाइस जब भी आप कोई मील लेते हैं, चाहे आप हेल्थी खाना खा रहे हैं, तो आप ध्यान रखें कि इतनी ज़्यादा कैलोरीज भी आप कंज्यूम ना कर लें हेल्दी खाने से कि आपकी कैलोरीज डेफिसिट का जो गोल होता है, जो आपको कैलोरीज डेफिसिट में रहना होता है फैट लॉस के लिए, वो गोल आपका प्रॉपर ट्रैक पे रहे, आप आउट ऑफ ट्रैक ना जाएं। क्योंकि कई बार क्या होता है, कुछ लोग हेल्थी ईटिंग करते हैं बट फिर भी कहते हैं हमारा वेट लॉस नहीं हो रहा है। तो हेल्थी ईटिंग आप कर रहे हैं और वो आपकी कैलरीज ज़्यादा जा रही हैं, हेल्थी फूड्स भी आप इतना ज़्यादा खा रहे हैं कि आपकी कैलरीज बढ़ रही हैं, तो आपका कहाँ से फैट लॉस होगा। तो आपने गाइस ध्यान रखना है, आप जब भी खाना खाने बैठें तो कोशिश करें कि छोटी प्लेट यूज़ करें, कि उसमें आप कम फूड डालेंगे और कैलरीज आपकी कम होंगी, जिससे आपको फैट लॉस में हेल्प मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है अगर आप चाहते हैं रेगुलर आपका फैट लॉस होता रहे। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं गाइस, आपको अपनी ईटिंग हैबिट्स में थोड़ी सी चेंजेस करने हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, बड़े सारे लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि हम ब्रेकफास्ट नहीं करते हैं, हम लंच नहीं करते हैं, हम डिनर नहीं करते हैं, फिर भी हमारा वेट लॉस नहीं हो रहा है गाइस। और ये जो स्ट्रेटजी है ना गाइस मील्स को स्किप करने की, ये कहीं ना कहीं क्या, आई एम श्योर मेरा एक्सपीरियंस भी है कि अगर आप खाना पीना छोड़ते हैं, मील्स को स्किप करते हैं, तो आप अपनी बॉडी को फैट लॉस के चक्कर में हार्म पहुंचा रहे हैं। फैट लॉस तो आपका नहीं होगा, उल्टा आप अपनी बॉडी को हार्म कर रहे हैं। सो आपने क्या करना है गाइस, क्यों कोई भी मील स्किप नहीं करना है। सबसे पहले स्पेसिफिकली हम बात करें ब्रेकफास्ट की, जहाँ से आपके दिन की शुरुआत होती है, ब्रेकफास्ट आपने गाइस कभी भी स्किप नहीं करना है। और ब्रेकफास्ट में आप ग्रेन्स का यूज़ करें, ब्राउन ब्रेड है आपका, दलिया ले सकते हैं आप, मतलब होल ग्रेन्स वाली चीज़ें आप ब्रेकफास्ट में ऐड करें, जिससे आपकी बॉडी को फाइबर मिलेगा। आप कोई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं और साथ ही ध्यान रखें गाइस प्रोटीन का, आपकी ब्रेकफास्ट के अंदर प्रोटीन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्रोटीन एक ऐसी चीज़ है गाइस जिसको तोड़ने में आपकी बॉडी को ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है, तो अगर आप अच्छा खासा प्रोटीन ब्रेकफास्ट में खाएंगे, उससे क्या होगा, आपकी बॉडी में पूरी रात आप जो फास्टिंग पर थे
वो प्रोटीन आपकी बॉडी को एमिनो एसिड्स मिलेंगे और आपका जो मेटाबॉलिज्म है गाइस उसको एक बूस्ट मिलेगा। तो ब्रेकफास्ट में आप गाइस प्रोटीन ऐड करना ना भूलें, और दूसरी बात कभी भी ब्रेकफास्ट को स्किप भी मत करें। और उसके बाद आप अपना पूरे दिन का प्लान कर लें कि आज मैं यहाँ जा रहा हूँ, या आज मैं ऑफिस में जा रहा हूँ, या आज मैं कहीं आउटिंग पर जा रहा हूँ। आप कहीं भी या आप घर पर भी हैं तो आप ब्रेकफास्ट के टाइम पर ही पूरा प्लान कर लें कि आज मैंने इतने बजे इतने इतने मील्स लेने हैं, और मैं कोशिश करूँगा या करूँगी कि मैं पूरे दिन के अंदर कोई भी चीट नहीं करना है मैंने। और आपके जो रात तक के मील्स हैं गाइस, हेल्थी मील्स, आप मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के टाइम पर ही सारों को प्लान कर लें। जिससे क्या होगा, अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो आप अपने मील साथ में कैरी कर सकते हैं, या प्लान कर सकते हैं कि मैं उस लोकेशन पर जा रहा हूँ, वहाँ पर मुझको ये सारे हेल्थी ऑप्शन खाने में मिलेंगे। तो आप प्लान ज़रूर करें गाइस हर रोज़ ब्रेकफास्ट के बाद अपने पूरे दिन के मील्स का। और अगर पॉसिबल है आपको कैलकुलेशन करनी आती है तो आप पूरे दिन की कैलोरीज को कैलकुलेट ज़रूर कर लें। बट अगर आपको कैलकुलेशन नहीं आती है तो तब भी आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बस ये प्लान कर लें कि अगले मेरे 4-5 जो मील्स होंगे तो मैंने छोटे छोटे मील्स हेल्थी ऑप्शंस के साथ कौन कौन से चूज करने हैं, जो कि बहुत बहुत हेल्पफुल है गाइस आपके फैट लॉस के गोल को अचीव करने में। अब एक और पॉइंट यहां पर गाइस मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा कि आप कभी भी ऐसा ना करें कि आप पूरे दिन के अंदर जो मोस्टली इंडियंस लोग करते हैं कि ब्रेकफास्ट किया, फिर लंच किया, फिर डिनर किया, 3 मील्स लिए और 3 मील्स हैवी। सपोज आपने ब्रेकफास्ट किया 8 बजे और 2 बजे आप 1 बजे लंच कर रहे हैं, तो तब तक आपके मील्स के बीच में गैप बहुत ज़्यादा हो जाता है। जिससे क्या होगा, आपको भूख लगी बहुत ज़्यादा, और आपका जो लंच होगा ना, या आपका जो डिनर होगा एक लंबे गैप के बाद, आपको खुद नहीं पता चलेगा कि आपने कितना ज़्यादा खाना खा लिया है पेट भरने के लिए। तो 3 मील्स की बजाय अगर आप फैट लॉस में 6 मील्स प्रीफर करेंगे ना, 3 बार खाने की जगह आप 6 बार खाएंगे, थोड़ा थोड़ा खाएंगे। ऐसा नहीं है कि 6 के 6 मील्स आपने पेट भर भर के खाने हैं। जाहिर सी बात है, फैट लॉस कर रहे हैं यार, आपको बहुत ज़्यादा नहीं खाना है, ओवरईटिंग नहीं करनी है। तो आप 3 हैवी मील्स की बजाय 6 मील्स लीजिए, थोड़े थोड़े लाइट लाइट, जिसे हम कह सकते हैं कि आप 6 स्नैक्स लीजिए, जिससे आपका मेटाबॉलिज्म भी बूस्ट होगा और आपका जो फैट लॉस का गोल है, आपकी जो कैलोरीज हैं वो भी आपकी पूरे दिन के अंदर बैलेंस रहेंगी, और आपको गाइस बहुत ज़्यादा भूख भी नहीं लगेगी। और ऐसा भी ना करें कि मैंने बोल दिया कि 3 मील्स हैवी नहीं ले रहे हैं और आपने क्या किया 6 की जगह 3 मील्स लाइट लाइट लेने शुरू कर दिए, बहुत ज़्यादा कम कर दी कैलोरीज अपनी डाइट से, जिससे आपको सडन वेट लॉस होगा, बट वो सेफ तरीका नहीं है गाइस फैट लॉस करने का। तो आप 6 मील्स लीजिए, हेल्थी लीजिए, छोटे छोटे स्नैक्स की तरह लीजिए, पूरे दिन के अंदर डेफिनेटली यू विल गेट गुड रिजल्ट्स ड्यूरिंग योर फैट लॉस गोल। और साथ ही गाइस आप क्या करें कि आपका जो वेट है उसको आप मेजर करते रहें, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि मैं क्या क्या चीज़ें खा रहा हूँ या खा रही हूँ, और मुझे वेट लॉस करना है, मेरा कितना वेट लॉस हो रहा है। अगर आपका फैट लॉस नहीं हो रहा है तो आप कैलोरीज को थोड़ा सा और कम कीजिए। अगर आप अपने आप को ट्रैक करते रहेंगे, अपने वेट को आप रेगुलर चेक करते रहेंगे, तो आपको आइडिया मिलेगा कि मेरा वेट लॉस हो रहा है, मेरे को कितनी कैलोरीज कम करनी है, या सडन वेट लॉस हो रहा है तो थोड़ी सी कैलोरीज आप बढ़ा दीजिए। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी अगर आप फैट लॉस करना चाहते हैं। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं गाइस, बहुत ईजी भी हैं, आप इन सारी चीज़ों को हैबिट बना लीजिए अगर आप एक हेल्थी लाइफ स्टाइल एंजॉय करना चाहते हैं। अब नेक्स्ट मेरा यहाँ पर गाइस पॉइंट है, शायद जिन लोगों को थोड़ा सा साइंटिफिकली नॉलेज है इस चीज़ की, उनको ये वो लोग इससे एग्री करेंगे, और कुछ लोग कहेंगे कि ऐसा नहीं है। बट आई ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड कि आप सोचते हैं कि विंटर सीजन के अंदर आपकी बॉडी फैट लॉस नहीं करती है, क्योंकि आपको स्वेटिंग नहीं होती है, आपको पसीना नहीं आता है, तो आपका फैट कैसे लॉस होगा। लेट मी क्लियर गाइस, विंटर सीजन में आपकी बॉडी ज़्यादा फैट लॉस कर सकती है, और उसका रीज़न है कि जब सर्दियाँ आती हैं और आपकी बॉडी को अपने टेम्परेचर को मेंटेन करके रखना पड़ता है, मतलब कि ठंड से अपने आप को बचाना पड़ता है और अपने आप को गर्म रखना पड़ता है, जिससे आपकी बॉडी की ज़्यादा कैलोरीज बर्न होती हैं। तो विंटर सीजन में कुछ लोग अपने फिटनेस गोल से हट जाते हैं, फैट लॉस से, बेसिकली कि हमारा फैट लॉस नहीं होगा, अब तो सर्दियाँ आ गई, हमें पसीना कैसे आएगा। सो ये गाइस एक मिथ है, फैट लॉस आपका सीजन पे डिपेंड नहीं करता है, वो आपका डाइट पे और आपके वर्कआउट पे डिपेंड करता है। कैलोरिक डेफिसिट रहकर आप गर्मी हो सर्दी हो कभी भी फैट लॉस कर सकते हैं। ऐसे भी लोग हैं जो विंटर में फैट लॉस कर जाते हैं और गर्मी में कुछ लोग फैट लॉस नहीं कर पाते हैं, तो फंडा है सारा कैलोरीज का। तो आई मीन टू से विंटर सीजन के अंदर आपकी बॉडी की ज़्यादा कैलोरीज खर्च होती हैं अपने आप के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। सो कोशिश करें कि आपका जो रूम है ना, उसको आप बहुत ज़्यादा हीटर वीटर लगा के गर्म ना करें, थोड़ा सा ठंडा रहने दें, जिससे आपकी बॉडी और ज़्यादा कैलोरीज को बर्न करेगी अपने टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। अब नेक्स्ट हमारा पॉइंट है गाइज कि आप थोड़ी सी इंटेंशन पे करें अपने उन फूड्स को जो आप रेगुलर खाते आ रहे हैं, कि ये फूड
किस तरीके से मेरी बॉडी में रिएक्ट कर रहा है, क्योंकि कुछ लोगों का मेटाबॉलिज्म थोड़ा सा फास्ट होता है जो जल्दी फैट लॉस कर जाते हैं, जिनका बहुत ज़्यादा स्लो होता है और उनको फैट लॉस में बहुत प्रॉब्लम आती है। तो आपने ध्यान रखना है कि कौन कौन सा फूड खाकर मुझे कोई एलर्जी तो नहीं हो रही है। जैसे कि हम बात करें, कुछ लोग लैक्टोस इंटॉलरेंस की प्रॉब्लम फेस करते हैं, दूध दही पनीर डेयरी प्रोडक्ट्स खाकर उनको पेट खराब हो जाता है या उनको कोई एलर्जी हो जाती है किसी भी चीज़ से, कुछ लोगों को वीट से एलर्जी होती है। तो आपको ट्रैक करते रहना कि कौन कौन सा फूड मेरे लिए सुटेबल है और कौन से फूड को खा के मुझे प्रॉब्लम होती है, तो ये चीज़ें आपने ध्यान रखनी है। साथ ही अगर आप मार्केट से कोई भी प्रोडक्ट खा रहे हैं, कोई भी शुगरी ड्रिंक पी रहे हैं या कुछ भी आप मार्केट से लेकर खा रहे हैं जो कि पैक्ड है, तो उसको खाने से पहले आप ध्यान रखें, चाहे वो हेल्थी हो और आप सोच रहे हो कि ये चीज़ तो हेल्थी है, मैं खा सकता हूँ, बट खाने से पहले आप उसके न्यूट्रिशन लेवल को एक बार चेक कर लें कि उसमें कितने कार्बोहाइड्रेट्स हैं, कितने शुगर है, कितना प्रोटीन है। प्रोटीन तो खैर मार्केट से ली गई जो नॉर्मल चीज़ें होती हैं आपके लेस कुकीज़ ये सब चीज़ें में कमी होता है, तो अपने कार्बोहाइड्रेट्स और शुगर और फैट का ध्यान रखना है कि इसके अंदर अगर सैचुरेटेड फैट ज़्यादा है तो वो चीज़ आपने अवॉइड करनी है, शुगर ज़्यादा है तो अवॉइड करें, कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा है तब भी आप अवॉइड करें, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स और शुगर गाइस तो ऐसे न्यूट्रिएंट हैं जिन पर आपका पूरा फैट लॉस डिपेंड करता है। तो आप मार्केट से कोई भी चीज़ खा रहे हैं लेकर पैक, तो उसका न्यूट्रिशन लेवल एक बार चेक करें कि कार्बोहाइड्रेट्स और शुगर फैट वगैरह उसमें ज़्यादा नहीं होना चाहिए। वैसे तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप पैक्ड चीज़ें मार्केट की ऐसे टोल्ड यू बिफोर के बिल्कुल ना खाएं, फ्रूट सैलेड अपने मील्स आप अपने साथ कैरी करें। बट फिर भी अगर आपको खाना पड़ता है, कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास हेल्थी ईटिंग की और कुछ भी मार्केट से आप लेकर खा रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको ध्यान रखना है उसके न्यूट्रिशन लेवल को चेक करके, इसमें कार्बोहाइड्रेट शुगर ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और सबसे लास्ट में गाइस मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करते रहें, डिस्कस करते रहें, कंसल्ट करते रहें अपने किसी फ्रेंड के साथ जिसको थोड़ी बहुत नॉलेज है फिटनेस की, या अपने किसी ट्रेनर के साथ या किसी डॉक्टर से कंसल्ट करते रहें कि मेरी ये प्रोग्रेस है, मैंने इतना वेट लूज किया है, ये मेरी डाइट है। क्योंकि गाइज एक न्यूट्रिशनिस्ट जो होता है, एक ट्रेनर जो होता है, एक डॉक्टर जो होता है, वो डेफिनेटली आपकी बॉडी को समझेगा और उसी अकॉर्डिंग आपको कोई चीज़ें सजेस्ट करेगा, कोई फूड सजेस्ट करेगा। ऐसा ना हो कि आप फैट लॉस के चक्कर में कोई ऐसी गलती कर बैठें जिससे आपको प्रॉब्लम हो। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा कैलोरिक डेफिसिट चले जाते हैं, खाना पीना बहुत ज़्यादा कम कर देते हैं और बाद में उनको बड़ी सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। तो किसी प्रोफेशनल से आप अपनी प्रोग्रेस को कंसल्ट ज़रूर करते रहें। और गाइस ये जो चीज़ें हैं ना डेफिनेटली बहुत इफ़ेक्ट करती हैं आपके फैट लॉस के गोल को। मेरे जो क्लाइंट्स हैं उन सब पर मैं चीज़ें एक्सपीरियंस कर चुका हूँ और कोई भी इन चीज़ों से नकार नहीं सकता कि ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी अगर आप चाहते हैं फैट लॉस करना। सो दैट्स इट गाइस इन दिस वीडियो। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें गाइस, और कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपके लिए कितनी हेल्पफुल है। एंड यू मे गाइस कॉन्टैक्ट मी फॉर ऑनलाइन ट्रेनिंग बाय यूजिंग माय फेसबुक इंस्टाग्राम हैंडल्स। सो सी यू नेक्स्ट वन गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।